नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार को अचानक से पावर कट की समस्या खड़ी हो गई है। मुंबई के एक बड़े हिस्से में बिजली गायब हो गई। बांद्रा, कोलंबा, माहिम इलाके में सुबह 10 बजे ही बिजली गुल हो गई। ग्रिड फेल होने का असर मुंबई लोकल पर भी पड़ा, जहां तहां लोकल खड़ी हो गई। बिजली की आपूर्ति को फिर से सुचारू किया जा रहा है। कई जगह बिजली बहाल हो गई है। रेलवे की सुविधाओं में लगभग 2 घंटे बाद सेंट्रल मेन लाइन को शुरू किया जा सका है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ग्रिड फेल होने पर सीएम उद्धव ठाकरे ने ऊर्जा मंत्री और बीएमसी चीफ से बातचीत की। अस्पताल में बिजली की व्यवस्था वैकल्पिक करने को कहा और फिलहाल कई जगह व्यवस्था कर दी गई है। कुर्ला स्टेशन से ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। बांद्रा स्टेशन पर भी बिजली आ गई है। सीएसटी स्टेशन से कुर्ला स्टेशन पर ट्रेन आ जा रही है। नवी मुंबई समेत वेस्टर्न उपनगर के कई इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। बाकी इलाकों में बिजली आपूर्ति को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट में इंटरनेट नहीं होने की वजह से ऑनलाइन सुनवाई प्रभावित हुई है। मुंबई के 6 कोविड अस्पताल में पावर बैकअप का काम शुरू हो गया है। मुंबई के बड़े हिस्से पर ट्रैफिक सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। साथ ही कई इलाके जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लोगों की ओर से लिफ्ट थमने की शिकायत की जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई में बिजली संकट तब आया जब दफ्तर से जाने का समय था। ऐसे में लोकल ट्रेन थमने से काफी लोगों पर असर पड़ा है। ट्रैफिक सिस्टम काम न करने के कारण कई जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि यातायात चलता रहे। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।